हाँ दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात शॉर्टकट में कहें तो एचसीएफ निकालने वाले हैं। देखिए, अगर एचसीएफ निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहला तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। पहली हमारी विधि क्या है? गुणनखंड विधि है। इसके बाद दूसरी विधि हमारी क्या है? दूसरी भाग विधि। भाग विधि। चलिए एक एक करके इन दोनों विधियों को समझते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि, अब देखिए एक उदाहरण से हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि से हमारा एच सी एफ कैसे निकलेगा। देखिए, हम एक उदाहरण लिए ले रहे हैं 6, 8, 10। अब हमको क्या करना है? इन्हें तोड़ना है। या तो आप एलसीएम लेकर तोड़ सकते हैं, जैसे 2, 3, 6 और 3, ये अच्छा 2 × 3, 6 = 2 × 3। इसी प्रकार इसका करेंगे 8 का 2, 4 आएगा, 2 2 बाद ये 2, तो हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8, इसके बाद 12, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है, 12 है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी 12 यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 12। अब देखिए हमारे क्या हुआ है कि तीनों के एलसीएम निकल आए, अर्थात हमने इन्हें तोड़ दिया। अब आप ये देखेंगे कि इन तीनों में क्या चीज कॉमन है। हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है, मेरे भाई यही हमारा क्या है? दो हमारा क्या है? एचसीएफ। अब इसके बाद आती है दूसरी विधि, भाग विधि। भाग विधि में क्या है भाई? देखिए हम क्या करेंगे भाग विधि में कि इन तीनों संख्याओं का, देखिए हम यही उदाहरण लेने वाले हैं इसमें भी, तो हम इन्हीं तीनों में से भाग देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है 6, 8, 12, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, इसके बाद उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे। देखिए जैसे हमारे पास 6, 8, 12 है, तो ये हमने 8 से भाग दिया तो 6 × 9, 6 आया। अब 6, 2, 6, 2, 8 होता है, 2 आ गए यहाँ पे। अब ये जो शेष फल बचता है उससे भाग देंगे हम 6, तो 2, 3, 6, ये अब कट गया। अब हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे 12 को। अब हमारे पास अब छोटी संख्या क्या बची? 8 बची, तो 8 × 12 किया तो 8 × 9, 8 = 4 और ये बचा 8, 4 × 2, 8, ये हमारा क्या आ गया। देखिए हमारा यहाँ पर भी एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ हमारा यहाँ पे भी 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, अर्थात हम किसी भी विधि से एचसीएफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर सेम ही आना। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार 6 और 8 ले रहे हैं, एक बार हम 6, 8, अब इसका गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड से, तो गुणनखंड से करेंगे 2 × 3, उसके बाद 2 × 2 × 2, ये हमारा 2 सेम आएगा। अब हम 6 भाग विधि से अगर करेंगे इसे, भाग विधि से, तो 6 × 8, 6 × 9, 6, 2 बचा, 2 × 9, 2, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, या 2, 1 × 2, 2 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट में आंसर बचा है वो हमारा क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये वैल्यू हमारी भी यहाँ पे क्या आई, 2 आई। तो भाई आपने देखा कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। ये दोनों विधियाँ बहुत ही आसान है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना यार, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ और ये मेहनत मैं केवल आपके लिए ही करता हूँ। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।